हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ बीम्स। तो सबसे पहले स्टडी करेंगे डेफिनेशन ऑफ बीम। बीम का डेफिनेशन आपके सामने है। डेफिनेशन में लिखा है, अ स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्सेस और कपल्स एट राइट एंगल्स टू द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस इज कॉल्ड अ बीम। इट मींस बीम एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट होते हैं और ये राइट एंगल टू द बीम होते हैं। इसके ऊपर कपल्स भी एक्ट होते हैं। आप ये बीम को ऐसा भी कह सकते हैं कि इट इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज वर्टिकली लोडेड। और अब स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ बीम्स। तो बीम्स 5 टाइप्स की होती है। तो टाइप नंबर 1 सिंपली सपोर्टेड बीम, टाइप नंबर 2 कैंटिलेवर बीम, टाइप नंबर 3 ओवरहैंगिंग बीम, टाइप नंबर 4 फिक्स बीम, टाइप नंबर 5 कंटिन्यूअस बीम। और अब ये सभी टाइप्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला टाइप सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम का डेफिनेशन आपके सामने है। डेफिनेशन में लिखा है, अ बीम विच इज फ्रीली सपोर्टेड ऑन द वॉल्स और कॉलम्स एट इट्स बोथ द एंड्स इज कॉल्ड एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम। इट मींस वो बीम जो वॉल्स और कॉलम्स के ऊपर फ्रीली सपोर्टेड हो, ऐसे बीम को आप सिंपली सपोर्टेड बीम कहेंगे। इसका एक डायग्राम आपके सामने है। इसमें हमने एक हॉरिजॉन्टल बीम लिया है, बीम ए बी। इसके लेफ्ट साइड में, इट मींस कॉर्नर ए में, एक वर्टिकल रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है। इसको आप वॉल रिएक्शन भी कह सकते हैं या कॉलम रिएक्शन भी कह सकते हैं। और इसके एंड बी में, जो कि राइट साइड में है, वहां पे भी एक वॉल रिएक्शन या कॉलम रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है। तो ये है सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जांपल। ये बीम का लेंथ है एल। और अब सेकंड टाइप का बीम स्टडी करेंगे, वो है कैंटिलेवर बीम। तो कैंटिलेवर बीम का डेफिनेशन आपके सामने है। तो डेफिनेशन में लिखा है, अ बीम फिक्स एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर इज कॉल्ड एज अ कैंटिलेवर बीम। इट मींस जो बीम का एक एंड फिक्स होता है और दूसरा एंड फ्री होता है, ऐसे बीम को कैंटिलेवर बीम कहते हैं। उसका एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। इसमें एक बीम ए बी दिखाई दे रहा है और ये बीम ए बी का जो लेफ्ट एंड है, एंड ए, वो वॉल में फिक्स किया है और जो दूसरा एंड है, एंड बी, वो फ्री है। तो ये है कैंटिलेवर बीम का एग्जांपल। ये बीम का लेंथ है एल। और अब थर्ड टाइप का बीम स्टडी करेंगे। बीम का नाम है ओवरहैंगिंग बीम और इसका डेफिनेशन आपके सामने है। डेफिनेशन में लिखा है, इफ द एंड पोर्शन ऑफ द बीम एक्सटेंड बियॉन्ड द सपोर्ट इट इज कॉल्ड एज एन ओवरहैंगिंग बीम। अ बीम मे बी ओवरहैंगिंग ऑन वन साइड और ऑन द बोथ साइड एज शोन इन फिगर। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो बीम जिसके एंड पोर्शन सपोर्ट से भी आगे एक्सटेंड किए जाते हैं, ऐसे बीम को ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं। और ये बीम का ओवरहैंगिंग सपोर्ट के एक साइड में भी हो सकता है या दोनों साइड में भी हो सकता है। तो जैसा कि आप यहां डायग्राम में देख सकते हैं, यहां पे 3 डायग्राम है। तो पहले डायग्राम में आप देख सकते हैं बीम को राइट साइड में ओवरहैंग किया है। दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हैं बीम को दोनों साइड में, राइट और लेफ्ट दोनों साइड में ओवरहैंग किया है। और थर्ड डायग्राम में आप देख सकते हैं बीम को लेफ्ट साइड में ओवरहैंग किया है। तो ये 3 एग्जांपल है ओवरहैंगिंग बीम के। और अब फोर्थ टाइप का बीम स्टडी करेंगे। ये है फिक्स बीम। इसका डेफिनेशन आपके सामने है। डेफिनेशन में लिखा है, अ बीम हुज बोथ द एंड्स आर रिजिडली फिक्स इन वॉल इज कॉल्ड एज फिक्स बीम। इसका एक डायग्राम आपके सामने है। इसमें एक बीम दिखाई दे रहा है, बीम ए बी, और इसके दोनों एंड्स, लेफ्ट साइड का एंड ए और राइट साइड का एंड बी, दोनों को वॉल में फिक्स किया है। तो ये है एग्जाम्पल फिक्स बीम का। ये बीम का लेंथ है एल। और अब फिफ्थ टाइप का बीम स्टडी करेंगे। ये है कंटिन्यूअस बीम। इसका डेफिनेशन आपके सामने है। डेफिनेशन में लिखा है, अ बीम विच इज सपोर्टेड ऑन मोर देन 2 सपोर्ट्स इज कॉल्ड अ कंटिन्यूअस बीम। द एंड सपोर्ट्स ऑफ अ कंटिन्यूअस बीम मे बी सिंपली सपोर्टेड और फिक्स। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो बीम में 2 से ज्यादा सपोर्ट्स लगे होते हैं, ऐसे बीम को कंटिन्यूअस बीम कहते हैं। देखो डेफिनेशन में एक ब्रैकेट में लिखा है एटलीस्ट 3 सपोर्ट्स। इसका मतलब कम से कम 3 सपोर्ट्स तो होना ही चाहिए, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है कंटिन्यूअस बीम। और एक लास्ट में स्टेटमेंट लिखा है, इसके अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस बीम के जो एंड सपोर्ट्स है वो सिंपली सपोर्टेड भी हो सकते हैं या फिक्स सपोर्टेड भी हो सकते हैं। तो कंटिन्यूअस बीम की 2 डायग्राम्स आपको यहां दिखाई दे रही है। उसमें से पहले डायग्राम में आपको 3 सपोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। इसको 2 स्पैन कंटिन्यूअस बीम कहते हैं। 2 स्पैन इसीलिए क्योंकि पहला स्पैन हो गया L1 मीटर और दूसरा स्पैन हो गया L2 मीटर। तो ये हो गया 2 स्पैन कंटिन्यूअस बीम जिसमें 3 सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। और जो दूसरा डायग्राम है उसमें आपको बीम के ऊपर 4 सपोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं और 4 सपोर्ट्स के वजह से यहां पे 3 स्पैन बन गए, L1, L2, L3। इसलिए इसको 3 स्पैन कंटिन्यूअस बीम कहते हैं। तो फाइनली बीम के सभी टाइप्स को हमने स्टडी कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि सभी टाइप्स की डेफिनेशन और सभी टाइप्स के डायग्राम्स आपको समझ में आ गए होंगे। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।